और अब बड़ी खबर फरीदाबाद से है। एमबीबीएस छात्र की हत्या से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की है, केंद्रीय राज्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अभी तक सिर्फ 4 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हुई है। हत्या के 7 आरोपी खुले घूम रहे हैं, पीड़ित परिवार की तरफ से ये बात कही गई। पीड़ित परिवार ने विधायक नयनपाल रावत पर भी आरोप लगाए हैं कि आरोपियों को विधायक नयनपाल रावत बचा रहे हैं। कई दिन बीतने पर भी खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी। पीड़ित परिवार ने यह बात कही। जन्माष्टमी के पर्व पर सीताई गांव में हत्या हुई थी, गोली मारकर और तेज धारदार हथियार से हत्या की गई थी। मंदिर में दही हांडी चढ़ाने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। हमारे गांव में 31 तारीख को रात को एक मर्डर हो गया, और जो मर्डर करने वाले हैं, जो मेन आदमी है, वो अभी फरार हैं और विधायक की संरक्षण में प्राप्त होंगे। ठीक है जी, अब हम मंत्री साहब के पास इसलिए आए हैं, मंत्री जी से हमने एक निवेदन किया है कि भाई विधायक की ना सुनी जाए, विधायक आरोपियों को बचाना चाहता है। विधायक ने पैसे खा रखे हैं उनसे, विधायक उनकी हर जगह मदद कर रहा है। पहले विपुल गोयल करता था, अब ये कर रहा है नयनपाल रावत। आरोपी कौन कौन थे? आरोपी है 11 आरोपी है, जिनमें से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 7 आरोपी अभी फरार है। ठीक है जी, तो हम तो मुख्यमंत्री जैसे भी, गृह मंत्री जी से भी, अपने मंत्री साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस विधायक की ना सुनी जाए। इस विधायक ने जो लोगों से वोट लिए हैं, कोई साधार पे दे दी कि भाई 3-4 बार हार चुका है, ये विधायक के काबिल नहीं है। मंत्री जी से भी अब मुलाकात हुई है, बात हुई है? मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया, मैं दोषियों को नहीं बचने दूंगा, क्योंकि हमारा लड़का मरा है और MBBS का वो कोर्स कर रहा था। लड़का जवान लड़का है, 20 साल की उम्र थी, उसकी गोली मार के हत्या कर दी, उसके फरसा मारे गए हैं, राड मारी गई है, लाठी मारी गई है, तलवार मारी गई है और गोली मारी गई। तो आप सुन रहे थे, परिवार को कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी घूम रहे हैं, पीड़ित परिवार की तरफ से बात कही गई है। जन्माष्टमी के पर्व पर दरअसल सोताई गांव में ये जो पूरा हत्याकांड हुआ, उसको लेकर के आज ये मुलाकात हुई है। गोली मारकर और तेज धार हथियार से हत्या की गई थी, और विधायक के ऊपर भी पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि विधायक आरोपियों को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। तो पीड़ित परिवार की तरफ से विधायक नयनपाल रावत पर यह आरोप लगाए गए हैं कि आरोपियों को विधायक नयनपाल रावत बचा रहे हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी खुले में घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात करने के बाद अब न्याय की गुहार पीड़ित परिवार की तरफ से लगाई गई है। इस मामले में अभी तक सिर्फ 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 7 और आरोपी हैं जो कि इसी मामले में, वो सब अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। और अब पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कृष्णपाल गुर्जर से मिलकर कि विधायक नयनपाल रावत इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको बचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से है, MBBS छात्र की हत्या के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें पीड़ित परिवार की तरफ से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात करके पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और विधायक नयनपाल रावत पर गंभीर आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए गए हैं कि जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश विधायक नयनपाल रावत कर रहे हैं, आरोपियों को बचा रहे हैं विधायक नयनपाल रावत। जन्माष्टमी के पर्व पर सोताई गांव में यह हत्या का मामला सामने आया था और इसमें अब पीड़ित परिवार की तरफ से केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से न्याय की गुहार लगाई गई है, बड़ी और अहम जानकारी।